मंदा 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 जय हिंद जय भारत साथियों, मेरा नाम है जीत फौजी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम दीवानी। साथियों, आज हम जो बात करेंगे देश में हो रही आगजनी के बारे में, जो कि अग्निपथ का जो स्कीम भारत सरकार ने लागू की है सैनिकों की, जिसमें अग्निपथ के दौरान अग्निवीरों को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाने के विरोध में देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आप देख सकते हैं जितने भी किसान नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं और कोई गाँव के जो ग्राम पंचायतों के लीडर हैं, सभी रोडों पर उतर आए हैं लड़कों के साथ में, और कई स्टेटों की तो पुलिस भी इन लड़कों के समर्थन में हो गई है। आप देख सकते हैं सरकार जो है बैकफुट पर आ गई बिल्कुल बुरी तरीके से। हर जगह हर तरफ रोड जाम हैं, हाईवे जाम हैं, रेल बंद हैं, पूरा देश हाहाकार मचा हुआ है और सरकार अभी भी कोई घोषणा नहीं कर रही। तो साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आप हमारा वीडियो ध्यान से सुने, देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इस प्रकार की जानकारी आपको अवेलेबल कराते रहते हैं, हर प्रकार की भर्तियों के बारे में सही और सटीक जानकारी देते हैं। तब बीजेपी सरकार जो है बिल्कुल बैकफुट पर आ गई है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में हर जगह। और 20 जून को एक महान आंदोलन होने वाला है साथियों, उसकी हर जगह पोस्टर बैनर और व्हाट्सएप फेसबुक सब पर शेयर किए जा रहे हैं। ये बड़ा आंदोलन ना बने इसलिए सरकार ने अभी क्या किया है साथियों कि ज़्यादातर नेट बंद कर दिए गए हैं, कई टावर बंद कर दिए गए हैं ताकि ये ज़्यादा आंदोलन ना बढ़के ना वो हो। सरकार को कानून तो वापस लेना ही पड़ेगा, ये आपको बता देते हैं 100%, क्योंकि ये किसानों से भी ज़्यादा उग्र आंदोलन हो चुका है ये, और इसमें कई लड़कों की जान भी चली गई है, कईयों के गोलियां भी लग गई, गोलियां भी चली हैं कई जगह से खबरें आ रही निकल कर कि गोलियां भी चली हैं, कई लड़कों के गोली भी लग चुकी है। तो सरकार को ये कानून जल्दी से जल्दी वापस ले लेना चाहिए। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो ये इसके लिए कोई बढ़िया रणनीति बनानी चाहिए। वो रणनीति हम मेरे अगले वीडियो में मैं जो मेरे विचार हैं वो साझा करूंगा। अगले वीडियो को हमारे को देखना, उसमें मैं बताऊंगा क्या होना चाहिए क्या नहीं। बाकी आप जब आई हमारा इस वीडियो को ध्यान से देखें किस प्रकार से सेना अध्यक्ष क्या कह रहे हैं और देश के सैनिकों के बारे में क्या क्या विचार हैं, क्या ये योजना है, इस पर पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। जहां तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको यह स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार यह समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल और बहुत बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, ये जितने लोग हम पहले ले रहे थे उसके करीब 3 गुना 4 गुना लोग और फौज में आ सकते हैं। इसमें से अभी सबको, ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आके फौज में काम करें और काम करते हुए खुद अपना डेवलपमेंट भी हो जाएगा, मतलब वो स्किल्स सीख लेंगे, फिर एजुकेशन का भी क्रेडिट्स वगैरह मिलेगा, फिर उनका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, हार्डशिप फेस करके ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और जब 4 साल के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कंटिन्यू करना है या कोई और काम करना है। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। क्या नाराज बेरोजगार युवाओं ने सीधे आग ही लगाई है? क्या गुस्से में आए बेरोजगार युवाओं ने अपनी मांगों के लिए सीधे हिंसा का सहारा लिया है? जवाब है नहीं। तारीखें नोट करते जाइए। फरवरी के महीने में यूपी का चुनाव चल रहा था। गोंडा की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ही 2 साल से रुकी सेना भर्ती का मुद्दा
बेरोजगार युवाओं ने उठाया था, तब कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही थी, युवा शांति से अपनी बात रख रहे थे। रक्षा मंत्री ने तब भरोसा दिया था, उस पूरे बयान को सुनिएगा। शांत रुक, क्या बैठ, सेना भर्ती चालू हो, अच्छा अच्छा होगी 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 होगी, हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत, अरे भाई होगी, सुन जाओ। राजनाथ सिंह ने फरवरी में भरोसा दिया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। मार्च का महीना आया, इस वीडियो को देखिए, ये बिहार के सिवान का वीडियो है। तब छात्र सेना भर्ती जल्द शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर पुशअप कर रहे थे, तब भी इन्होंने हिंसा नहीं की, बल्कि अपनी मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अप्रैल का महीना आया, तब भी ये प्रदर्शनकारी आग नहीं लगा रहे थे। सीकर का युवा 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर दिल्ली तक आया था। हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ लगाकर दिल्ली तक आए इस युवा ने पसीना सिर्फ इसलिए बहाया था ताकि सरकार को 2 साल से बंद स्थायी सेना भर्ती वाली योजना शुरू करने की याद दिला सके। तब भी कोई पत्थर नहीं चलाए थे, न आग लगाई थी, लेकिन किसी ने इन युवाओं की नहीं सुनी। मई का महीना आया, मई के महीने में भी युवा देश के कई हिस्सों में तिरंगा लेकर प्रदर्शन करते रहे, जल्दी सेना भर्ती शुरू करने की मांग की। लोकतांत्रिक रूप से मई के महीने में भी शांति से की गई इस मांग को किसी ने नहीं सुना। फिर जून का महीना आया, अचानक से एकदम स्थायी सेवा की जगह 4 साल वाली सेना की नौकरी अग्नि परीक्षा स्कीम आ गई। 2 साल से स्थायी नौकरी की आशा देखने वाले युवा हताश। हमारे देश के सांसदों और विधायकों को जितनी पेंशन मिलती है उसका कोई हिसाब नहीं करता, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े करता। और अब जब अग्निपथ को लेकर बवाल शुरू हुआ है तो एक सवाल जो युवाओं के मन से आ रहा है वो ये कि अगर सांसदों विधायकों की पेंशन पर सवाल नहीं तो फिर युवाओं की, खासतौर पर सेना में जाने वाले युवाओं को लेकर उनकी पेंशन पर सवाल क्यों, उनके पैसे का हिसाब किताब क्यों। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार साल 2018 में केवल सांसदों की जो पेंशन थी, पेंशन की बात कर रहा हूं मैं, उसे 70 करोड़ रुपए दिया गया था। और अगर उसके आप 8 साल पुराने रिकॉर्ड को उठाएंगे तो ये 500 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। साल 2020-21 में 2679 सांसद ऐसे थे जिन्हें पेंशन दी गई, और ये पेंशन की रकम जो थी वो 100 करोड़ रुपए थी। ये मैं केवल सांसदों का जिक्र कर रहा हूं, इसमें विधायकों का जिक्र नहीं है। उनको पेंशन मिलती है, उसका हिसाब किताब अलग है, राज्य दर राज्य अलग अलग पैसे हैं। सोचिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यही सांसद विधायक हैं जो तय करते हैं देश की नीतियां क्या होगी। और हर राज्य में कहीं पर कोई भी पार्टी का नेता आपको सांसदों की पेंशन पर बोलते हुए नजर नहीं आएगा, विधायकों की पेंशन पर बोलते हुए नजर नहीं आएगा। वो आपस की सियासत करते हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो वो खामोशी अख्तियार करते हैं। अगर इनकी पेंशन तो सैनिकों की पेंशन क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। सर, जो ये फौज की तैयारी करे नहीं न छोर यहाँ कर शादी तो कोई मतलब देश का मतलब है। वे बालक हैं जो 3 बजे उठकर ट्रैक पे बाज ले हैं, वे ना है जो आठ बाइक लेके छोरिया का पीछा कर। अगर ब्याह तो मतलब होता ना तो 22-23 साल का छोरा सचिन वो कल सुसाइड नहीं करता। इनको कोई मतलब नहीं है ब्याह शादियों से, ब्याह के लिए नहीं करते ये, अपने इंटरेस्ट के कारण नौकरी करते हैं, देश की सेवा के कारण।